जैसे कि जो इलेक्ट्रिकल के अप्लायंसेस हैं, गीजर्स हैं, एसी है, स्टेबलाइजर्स है, कूलर है और इस तरह के छोटे मोटे सामान जो हैं वो खरीदा है। इस तरह से हमारा जो आर&आर एक्टिविटी है, उस आर&आर एक्टिविटी के तहत जैसे सोलर मास लैंप है, सोलर जो लैंप्स लगते हैं वो डिफरेंट विलेजेस 13 विलेजेस हैं, प्रोजेक्ट अफेक्टेड विलेजेस में वो लगाया है, तो सोलर के जो पैनल्स हैं वो सब लगे हुए हैं। इस तरह से जो हॉस्टल्स हैं उसका रेनोवेशन हुआ है, उसके लिए जो बेड्स हैं ये सब, जो फर्नीचर्स हैं, जो स्टेशनरीज हैं, ये सब खरीदारी होता है। और भी इस तरह के सन्ड्री आइटम्स जो है वो खरीदा गया है। लेकिन आप देखें, जैसे ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मैंडेट आया था तो हम लोग 2019 में इसका शुरू किया था और ग्रेजुअली इसका वैल्यू आप देखेंगे कि बढ़ रहा है। अभी 2022-23 में टोटल 50 ऑर्डर्स हमने प्लेस किया है, जो हमारे दूसरे कोलिग्स ने अभी गेल या मेकॉन या ये जो इंडियन रेलवेज की तरफ से जिन्होंने बताया है, उनका प्रोक्योरमेंट काफ़ी बड़ा है। तो यदि NTPC के तौर पे देखेंगे तो बहुत उसे बहुत काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर प्लेस होते हैं, लेकिन PVNL एज सच अभी जो प्रोजेक्ट सेटअप ही हो रहा है इसलिए, और एक सेपरेट कंपनी है, तो NTPC से हट के यदि देखा जाए तो PVNL में सिर्फ देखा जाए तो सिर्फ 2,33,00,000 का अभी तक ऑर्डर हम लोगों ने 50 ऑर्डर प्लेस किए। लेकिन हमारा इंफेसिस ये है कि 100% प्रोक्योरमेंट हम लोग जेम के थ्रू करें, क्योंकि यदि हम जेम से प्रोक्योर नहीं करते हैं तो हमें उसका रीजन दिखाना होता है क्यों हम जेम से प्रोक्योर नहीं करते हैं। जैसा कि जेम ने अभी बताया था, जेम के जो पदाधिकारी थे उन्होंने बताया था कि उनके पास सारे रिकॉर्ड्स आते हैं कि आप क्या क्या चीज़ जेम के बाहर खरीद रहे हैं, क्योंकि जेम के बाहर जो खरीदते हैं वो एक दूसरा प्लेटफॉर्म है जेपनिक, गवर्नमेंट जो NIC द्वारा डेवलपमेंट प्रोक्योरमेंट पोर्टल है वो जेपनिक है, उसके थ्रू हम लोग लेते हैं। तो जेम को सारे रिकॉर्ड्स के असेस हैं, मतलब वो देख सकते हैं कि क्या हम वहाँ से खरीद रहे हैं क्या नहीं खरीद रहे हैं। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम जेम के थ्रू ही लें। लेकिन इसमें नेक्स्ट स्लाइड, इसमें जो ये कुछ आइटम्स हैं जो हमने इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हैं, इलेक्ट्रिकल आइटम्स हैं, सॉफ्टवेयर के लाइसेंसेज हैं, क्योंकि PC है, लैपटॉप है, जो आपके CCTV कैमरा है, पूरे प्लांट में हमने CCTV लगाया हुआ है, जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज लग रहा है उसको डे टू डे मॉनिटर करने के लिए 24/7 उसका मॉनिटरिंग होता है, और वाईफाई सिस्टम है, ये बहुत सारे, और ये कुछ सर्विसेज हैं जो अभी सर्विसेज में भी हम लोग जेम के थ्रू प्रोक्योरमेंट में काफ़ी सारे इश्यूज हैं जो कि इन्होंने भी एडमिट किया है, जेम वालों ने भी एडमिट किया है। लेकिन हमारा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ अभी सर्विसेज भी हम लोग जेम